पत्नियां अपनी दर्ज कराई है, बीजेपी पे धांधली का आरोप लगाया है। फिलहाल ये चुनाव निष्पक्ष हुआ है, हमारी जानकारी में, हमारे देखने में, जो मैंने देखा लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों कोई हनन नहीं हुआ है, बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव हुआ। तो आपका ये जो कहना है तो इसका ये मतलब है ये वो जो 8 कैंडिडेट के दावे कर रहे हैं तो आप लोगों ने भी वो 8वें कैंडिडेट को वोट किया है? नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी कह क्या रहे हैं, साफ साफ खोल के बोलिए तो हम बता दें कि हम आपकी राय समाजवादी पार्टी से अलग कैसे हो रही है। अरे आप कैसे कह रहे हैं हमारी राय समाजवादी पार्टी से अलग है? नहीं, वो कह रहे हैं कि पार्टी का ये है, उसमें कोई सिंबल पे वोट नहीं दिया जा रहा है, वो पे नाम लिखा रहा जी, जो तीन आपका वोट किसको गया है? हाँ, जो नाम, अच्छा ये बताइए मतदान गुप्त होता कहीं लिखा बताने वाला नियम तो बता दें आप किसको दिए? समाजवादी कहीं लिखा है? कहीं अगर लिखा हो कि दिखा के कि जिसको दिखाना था उसको हमने दिखा दिया, लेकिन अगर वो कुछ बोलेंगे तो उसके बाद हम बताएंगे आपको। तीन आपत्तियां जो लगाई गई हैं समाजवादी पार्टी की आपत्ति के बाद मतदान, देखिए सबके अपने अपने मत होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा होती है अक्सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।